जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जनरल पांडे ने बताया कि सीमा विवाद को लंबा खींचना चाहता है चीन, लेकिन यथास्थिति बदलने नहीं देगी सेना। और मोहाली पर हमला किया है, ऐसा शिमला में भी हो सकता है। सिख फॉर जस्टिस के गुरपत वन सिंह पन्नू ने लिए हमले की जिम्मेदारी। आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों चीन के साथ संबंधों का बेस आखिरकार पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर मौजूदा सीमा विवाद का निपटारा ही है, लेकिन चीन की नियत इसे लंबा खींचने की है। सेना के नए चीफ जनरल मनोज पांडे ने क्लियर रूप से बताया कि सेना उत्तरी सीमा पर यथास्थिति बदलने नहीं देगी। विवाद का निपटारा एक तरफा नहीं हो सकता, इसे बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। जनरल पांडे ने चीन पर मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि चीन के साथ संबंध स्मूथ करने के लिए पूरा देश और कई एजेंसियां कई लेवल पर काम कर रही है। जहां तक सेना का सवाल है, वो LAC पर यथास्थिति को किसी भी कीमत पर नहीं बदलने देगी। सेना ईस्टर्न लद्दाख समेत पूरे LAC के इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक बेसिस पर अपना दबदबा कायम रखे हुए है, ताकि यथास्थिति बदलने की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। अच्छी बात यह है कि पूर्वी लद्दाख को लेकर डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर बातचीत जारी है। इसी बातचीत के जरिए पेंगोंग, गोगरा और गलवान में दोनों पक्ष पीछे हटने में कामयाब हुए। बाकी विवादित जगहों पर बातचीत जारी है। एक सवाल के जवाब में आर्मी चीफ ने बताया कि सीमा पर फौज की पर्याप्त तैनाती, बेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस वेपन व मिलिट्री इक्विपमेंट और दांव पेच में लगातार बदलाव किया जा रहा है, ताकि किसी भी हालात से निपटा जा सके। आर्मी चीफ के मुताबिक दुनिया की जियोपॉलिटिकल स्थिति में लगातार बदलाव हो रहा है और सेना उसी हिसाब से अपनी योजना पर काम कर रही है। जनरल पांडे ने बताया रूस यूक्रेन वॉर का बारीकी से स्टडी किया जा रहा है। इस वॉर से तीन बातें साफ हुई है। पहला कि वॉर के तरीके में कोई बदलाव की गुंजाइश के बावजूद कन्वेंशनल वॉरफेयर की संभावना हमेशा बनी रहेगी। दूसरा ये कि जरूरी नहीं है कि कुछ समय के लिए वॉर हो और तुरंत हो, किसी भी देश को लंबे वॉर के लिए तैयार रहना होगा। तीसरा, वॉर के लिए आत्मनिर्भर होना ही सबसे एक्सलेंट पॉलिसी है। आर्मी चीफ ने उम्मीद जताई कि इस वॉर की वजह से अफगानिस्तान और भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत के ऑब्जेक्टिव्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में हुए ब्लास्ट को लेकर सामने आया है कि ये करतूत खालिस्तान समर्थकों की थी। खालिस्तान की मांग कर रहे संगठन सिख फॉर जस्टिस ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है और संगठन के चीफ गुरपत वन सिंह पन्नू ने कहा है कि मोहाली पर हमला किया है, आगे हिमाचल पर करेंगे। पन्नू के ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने के बाद राज्य में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। मोहाली ब्लास्ट का जिक्र करते हुए सिख फॉर जस्टिस के चीफ ने हिमाचल के CM जयराम ठाकुर को भी धमकी दी है। धमकी में कहा है कि अभी मोहाली में हुआ है, ऐसा शिमला में भी हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि दो दिन पहले ही विधानसभा में खालिस्तानी झंडे लगाए गए थे और दीवारों पर चेतावनी जारी की गई थी और अब गुरपत वन सिंह पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस इंटरपोल की मदद से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने जा रही है। वहीं बोइंग ने भारत में बोइंग के मेजर डिफेंस प्लेटफॉर्म पर क्रिटिकल इक्विपमेंट के रखरखाव, मरम्मत और निगरानी जांच MRO के क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड ASL के साथ सहयोग की घोषणा की है। भारत में बोइंग के डिफेंस प्लेटफॉर्म में इंडियन नेवी द्वारा ड्रेवन P8I और इंडियन एयरफोर्स के 777 VIP प्लेन शामिल है। इंडियन नेवी ASL के सीनियर ऑफिसर्स के साथ दूसरे अदर मेजर सप्लायर पार्टनर की मौजूदगी में मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित डिफेंस सम्मेलन में बोइंग इंडिया आत्मनिर्भरता में इस सहयोग की घोषणा की गई। वहीं आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को आज यानी 10 मई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित प्रोग्राम में सेना में बहादुरी के लिए 6 शहीदों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KGS ढिल्लो को भी परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में मंगलवार शाम को 6 शहीदों कैप्टन आशुतोष कुमार 18 मद्रास, नायब सूबेदार श्रीजीत M 17 मद्रास, हवलदार अनिल तोमर 44 RR, पिंकू कुमार 34 RR, काशी राय 44 RR और सिपाही जसवंत रेड्डी 17 मद्रास को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।